ये खबर भी बागेश्वर धाम से जुड़ी हुई है। खबर यह है कि बागेश्वर धाम में 221 लोगों की घर वापसी कराई गई है। हिंदू से ईसाई बने 221 लोगों की घर वापसी करा दी गई है। बागेश्वर धाम में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जिन लोगों की हिंदू धर्म में घर वापसी कराई, उन सभी का कहना है कि उन्होंने प्रलोभन में आकर हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म अपना लिया था, लेकिन अब वो सब अपनी खुशी और मर्जी से वापस हिंदू धर्म अपना रहे हैं। इनकी संख्या 221 है। बागेश्वर धाम में मंच सजा है और मंच पर संतों के साथ विराजमान है बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री। मंच के ठीक सामने बड़ी संख्या में आदिवासी और अहिरवार समुदाय से जुड़े लोग बैठे हैं। इन लोगों ने हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपना लिया था, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री की मुहिम और आरएसएस के धर्म जागरण विभाग के प्रयास से इन लोगों ने घर वापसी की है। पूरे विधि विधान के साथ 221 लोगों ने संतों की मौजूदगी में घर वापसी की। इन लोगों को पहले तिलक लगाया गया और फिर बागेश्वर धाम का पीला साफा पहनाया गया। और हमारे नाम से बस भारत में इसी बात का विरोध है, क्योंकि सबको डर है कि ये आदमी 4-5 साल में सबके मिशनों को फेल कर देगा। अगर ये किसी को डर है तो डर बना रहना चाहिए। हमारे साथ कौन कौन है आज से इस लड़ाई में जीवन भर के लिए? इससे पहले धीरेन्द्र शास्त्री बड़ी संख्या में लोगों की घर वापसी करा चुके हैं और इस अभियान को आगे भी जारी रखने का फैसला किया था। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।